बात आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दो बड़े फैसलों की, कि दोनों ऐसे फैसले हैं जिससे महाराष्ट्र और दिल्ली की सियासत प्रभावित हो सकती है। शिवसेना के शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव गुट की अर्जी पर आज फैसला होगा। उद्धव गुट ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी थी। अगर इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया तो शिंदे सरकार का गिरना तय है। उधर एक अन्य फैसला दिल्ली के असली बॉस को लेकर है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार हो, एलजी का या मुख्यमंत्री का, इस पर फैसला आने वाला है। असली नजर महाराष्ट्र को लेकर है, जहां शिंदे के स्पेशल पर फैसला सरकार से लेकर शिंदे और पार्टी की सेहत पर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, इसलिए नजर इस पर भी। यानी दो बड़े फैसले होने हैं महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए। जो उद्धव गुट की तरफ से विधायकों के लिए कहा गया था कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए, अगर ऐसा फैसला आता है तो सरकार का गिरना तय है। मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं, मुझे लगता है सरकार को खतरा है। अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में। अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज हमारे साथ हैं और संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, सबसे पहले देखिए, आज दो महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो आने वाले हैं, नजर लेकिन महाराष्ट्र की सियासत वाले फैसले पर, क्योंकि उससे तय होगा सरकार रहेगी या बचेगी। कब तक आ सकता है फैसला? 11 बजे के बाद फैसला आएगा, क्योंकि 10:30 बजे से 11 बजे तक पूर्व चीफ जस्टिस एएम अहमदी को श्रद्धांजलि देने के लिए रेफरेंस है और फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद 11 बजे के बाद 5 जजों की संविधान पीठ फैसले सुनाने बैठेगी और उसमें पहले दिल्ली का फैसला आएगा और उसके बाद महाराष्ट्र का फैसला आएगा। और दूसरे केस में जिसपे हक ट्रांसफर का किसको मिले, मुख्यमंत्री को या एलजी को, इसको लेकर का फैसला आना है? उसको लेकर 11 बजे के बाद पहला फैसला दिल्ली को लेकर है और दूसरा फैसला महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना, यानी शिवसेना की आपसी लड़ाई दोनों गुटों की, उसे लेकर है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि विधायकों को अयोग्य घोषित करने का, तो वो राज्य स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता, विशेषाधिकार होता, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा ऐसा हमें लग रहा है। और ऐसे में सरकार की वैधता अवैधता, वो चूंकि कानूनी सवाल था याचिकाकर्ताओं का, उस पर टिप्पणी जरूर हो सकती है। ठीक है, यानी ये दो बड़े फैसले जिन पर नजर रहेगी। पंकज, जरा ये भी बताइए, क्योंकि अगर ये 16 विधायक जिनको अयोग्य ठहराने की अर्जी उद्धव गुट की तरफ से अयोग्य हो जाते हैं तो ये माने कि सरकार गिरना तय है? क्या विकल्प बीजेपी देख रही है, शिंदे गुट देख रहे हैं? क्योंकि यहां वो संजय राउत ये भी बता रहे हैं कि देखिए शिंदे वो भी अयोग्य ठहराए जाएंगे जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। देखिए अर्पिता, पिछले साल जब शिंदे सरकार ने ट्रस्ट वोट मांगा था तो 288 में से 164 उनके पास आंकड़े थे। ये इसी आंकड़े को देखकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार कह रही है कि अगर ऐसा होता है कि 16 विधायकों को अयोग्य भी ठहरा देता है सुप्रीम कोर्ट, तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही नंबर्स हैं। और यही बात कल अजीत पवार, जो एनसीपी के नेता हैं और एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी कह चुके हैं कि क्योंकि 145 का जो आंकड़ा है वो सरकार के पास है और जब तक ये आंकड़ा है तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी ये बात कह चुके हैं कि जब तक सरकार के पास ये आंकड़ा है तब तक उन्हें खतरा नहीं है। हालांकि ये बात सच है, अगर 16 जो विधायक हैं जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है, अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तब तो एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर मोरालिटी की बात आ जाएगी, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्या ऐसे में सरकार को बने रहना सही है या नहीं है। कुछ देर पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमवीए के वो नेता हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को खतरा है क्योंकि अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए 24 विधायक हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो निगाह अब सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर लगी हुई है क्योंकि आज का जो फैसला आएगा, आप चाहे वो रिव्यू के लिए एक बार फिर से स्पीकर को, महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को दे दिया जाता है, वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि उस पर भी बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि उद्धव गुट कहता है कि राहुल नार्वेकर, क्योंकि जो इस समय प्रेजेंट स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास ये केस जा ही नहीं सकता क्योंकि ये मैटर दो पहले के जो डिप्टी स्पीकर थे निरहरी जरवाल, उनके पास था और उनके पास ही जाना चाहिए। तमाम सर्कमस्टांसिस को देखते हुए उन्होंने ही फैसला लिया था। तो उसके
ऊपर भी काफी रस्सा कसी इस वक्त हो रही है, लेकिन देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही ये निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति इसके बाद क्या मोड़ लेने वाली है। हालांकि शिंदे गुट जो रात भर मीटिंग में था, वर्षा बंगले में हमने देखा तमाम जितने विधायक हैं उनकी मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री के तमाम जितने एसोसिएट्स हैं, क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनका कहना है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उद्धव गुट कहता है उन्हें आज जस्टिस का इंतजार है। वो कहता है कि आज फैसला हो जाएगा कि इस देश में डेमोक्रेसी जीवित है या नहीं है। अब पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल संजय, सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहने वाली, दो महत्वपूर्ण फैसले आने, लेकिन नजर महाराष्ट्र की सियासत पर आ रहे बड़े फैसले पर ही रहने वाली है। आज जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि उद्धव गुट लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा नीचे से लगाकर ऊपर तक कि कहीं ना कहीं उसको राहत मिले, तब से जब महाराष्ट्र में खींचतान की स्थिति बनी, लेकिन कोई ऐसा बहुत राहत उद्धव गुट को मिली नहीं और नतीजा कुछ ऐसा भी रहा कि इस्तीफा उन्होंने दिया, राज्यपाल पर कई सवाल उठे, उसके बाद सरकार का भी निर्माण हो गया। आज की स्थिति को देखते हुए जिस ग्राउंड पर ये केस लड़ रहे हैं उद्धव गुट, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? उसमें उद्धव गुट को बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने कई बार कहा कि आप जो प्रार्थना लेकर आए हैं और आपने जो किया है उसमें बहुत विरोधाभास है, आप अगर शक्ति परीक्षण का सामना करते तो शायद हम उस स्थिति में दोबारा शक्ति परीक्षण कराते, लेकिन आपने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया, हम घड़ी की सुइयां पिछली पीछे की तरफ वापस नहीं मोड़ सकते हैं, समय चक्र को पीछे नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ऐसा इन टिप्पणियों के बाद ये उम्मीद कम लगती है। और ऐसे भी चूंकि ये फैसला सर्वसम्मति से, दोनों फैसले सर्वसम्मति से आ रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस ने वो फैसले लिखे हैं और चीफ जस्टिस ही वो फैसला सुनाएंगे, तो ऐसे में स्प्लिट के चांसेस भी कम लगते हैं जिसमें हम ये पतंग उड़ा सकें, ये कयास लगा सकें, ये कल्पना कर सकें कि बहुमत में क्या फैसला है और अल्पमत में क्या फैसला है। ये दिल्ली का फैसला और महाराष्ट्र का फैसला दोनों यूनानिमस फैसले हैं, यानी सर्वसम्मत फैसले हैं, तो ऐसे में ये लग रहा है कि जो भी होगा सो आर पार के उसमें होगा। और महाराष्ट्र मामले में ये लग रहा है कि जो पुराने फैसले थे उन सारे फैसलों जिन पर सारी चर्चा हुई है, नबाम रेबिया और इन सारे फैसलों पर एक उसको नए सिरे से परिभाषित करेगा, यानी लैंडमार्क जजमेंट तो जरूर होगा भले वो एकेडमिक टाइप हो। ठीक है, थोड़ी देर में ये फैसला आना है, उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन इन सबके बीच दोनों गुट, अगर महाराष्ट्र की बात कीजिए तो उद्धव गुट और शिंदे गुट अपने अपने दावे कर रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस फैसले से पहले वो जरा सुन लीजिए। कि हमने जो उठाव किया था वो उठाव में हमारी जो मजबूती के साथ हमने उठाव किया था और सब लीगल बाजू देखते हुए किया था, इसलिए हमारी बाजू मजबूत है और निकाल हमारे फेवर में आएगा ऐसा हमको लगता है। जो भी निर्णय आएगा उसमें इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इतने कॉन्फिडेंस से ना बोलें, कहीं कहीं ऐसा लगने लगता है कि इनको लगने लगा है पैसों के ही बल पे दुनिया चलती है, सत्ता बल के ऊपर एजेंसीज का दुरुपयोग कर चलती है, बहुमत सब कुछ है, जनता का प्रेम है, तो चुनाव लड़ लें ये 16 लोग, ये 32 लोग, ये 40 लोग चुनाव लड़ लेना, भाग क्यों रहे हैं? आज तक हम कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं होने देख पा रहे हैं, कुछ नहीं होने दे रहे, इतना कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। उदय सामंत जी से कहूंगी वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपने चुनाव लड़ लें, इंडस्ट्री मिनिस्टर क्या एमएलए भी नहीं रहेंगे।